नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रही हैं द खबरदार न्यूज। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीएमसी प्रांगण में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीन डॉक्टर जी एस पटेल और अधिष्ठाता आर एस वर्मा मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान पूर्व डीन डॉक्टर जी एस पटेल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सन 1962 में रीवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसके बाद लंबे अंतराल के बाद सागर में 2009 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इस दौरान एमसीआई की मान्यता के लिए कई परेशानियां आईं, लेकिन बुंदेलखंड के रहवासियों और जनप्रतिनिधियों की मदद से बीएमसी की नींव रखी गई। वहीं अधिष्ठाता डॉक्टर आर एस वर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में हम कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं और इससे निपटने के लिए हमें यहां के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारियों का सहयोग चाहिए, ताकि इस बीमारी को हम मात दे सकें। इसके अलावा विभाग प्रभारी डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि कोरोना काल में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ने एक नया मुकाम हासिल किया है और इंदौर भोपाल जैसी सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटलों को मात देकर मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराया है और मरीजों को ठीक किया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। उसके बिना सिर्फ एनहांसमेंट का कंसिडर नहीं कर पाए एप्लीकेशन। तो मैं और डॉक्टर खानदा थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कभी भी सिर्फ एनहांसर नहीं होता तो 50, 100, 150, 200, 250 होता है। तो ये आप 100 से सीधे 250 में दर्द क्यों कर रहे? तो हमने बोला था कि सर, हमारे पास 150 की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली किसी कमी की वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको भी देके 100 कर दिया, पर बिहार में फैसिलिटी पर 150। सो डायरेक्टली वी वांट टू हाल है नर्सिंग स्टाफ की कमी के बिना फैकल्टी, जिससे अपन क्वालिटी फैकल्टी, मेडिसिन फैकल्टी या सारे फैकल्टी की बात करें तो सिर्फ हम 1/3 में काम कर रहे हैं, 1/3 में काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो भी हम 1/3 होंगे उन्होंने, लेकिन जैसे सिर्फ कोरोना का एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ कोरोना की बात करें तो अपन ने वहाँ से कम से कम 150 ज़्यादा पैसे एडमिट करे हैं, ठीक करके भेजे हैं। और डेथ वाइज की उनको भी डेथ आज के डेट में 10% है, अपनी इंस्टीट्यूशन डेथ 3-4% के बीच में। तो ये चीज़ें अपने लोगों के बीच में मैसेज आए कि अपने लोगों को अपन क्या कर रहे हैं, कहाँ रेस्टोरेंट करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं स्थापना दिवस की बात मानता है कि अपन बताएं कि अपने कितना काम करना है, भविष्य में अपन को क्या करना है। एक तो सबसे पहले स्थापना दिवस का लक्ष्य होना चाहिए। मंच के माध्यम से अपने विचार रखना चाह रहे हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर मनीष जैन सर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य मंच उपस्थित समाज सभी लोग बोल ही रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टाफ, सभी नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉयज कीपर, जितने भी यहाँ पर यहाँ पर काम करने वाले हैं, उनके कहीं ना कहीं ईमानदारी और अपने बीएमसी परिवार की उनका हॉस्टल से वहाँ पे क्लासरूम का ध्यान में कई जन ऐसे मिट्टी के लड़के रहते थे कि चल रहा था, अगर उससे दूसरे से करते हुए इवन मैंने देखा है और मसल वाले स्टूडेंट रहते थे कि कब ऐसे ही रहती थी तो हम लोग बड़ी मुश्किल में पैसे पैसे को डिस्चार्ज ना करें, पैसे की बैठे तो पैसे रहे।